टेंथ स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन टू एस एन फॉर्मूला एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है. इंट्रोडक्शन टू एस एन फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन टू एस एन फॉर्मूला पढ़ेंगे. पहले ये एपी देखो, अपने मन से एपी दे रहा हूँ. एपी इज 3, फिर एक नंबर छोड़ देंगे 5, एक नंबर छोड़ देंगे 7, एक नंबर छोड़ देंगे 9, एक नंबर छोड़ देंगे 11. ये एपी है. 5 में से 3 गया 1, है ना, नहीं 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2. ये ऑलरेडी एपी है. मैंने क्वेश्चन में बोल दिया कि ये एपी है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो ये ऑलरेडी एपी है. ओके, मेरे को एस एन को क्या बोलते हैं मालूम? एस एन को बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म. एस एन को क्या बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट एंथ टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म. ओके, ये देखो टी वन कितना है 5, टी टू कितना है, सॉरी टी वन कितना है, टी वन है 3, टी टू कितना है 5, टी थ्री कितना है 7, टी फोर कितना है 9, है ना, टी फाइव कितना है 11, टी फाइव कितना है 11. अगर उन लोग पूछते एस वन, एस वन को क्या बोलेंगे? सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म. सम का मतलब प्लस होता है. अभी फर्स्ट टर्म तो टी वन ही है, फर्स्ट टर्म क्या है, टी वन जो है 3, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म को, सम ऑफ इसके साथ कोई ऐड होएगा क्या? नहीं, क्योंकि एक अकेला ही है. सम ऑफ फर्स्ट टर्म का क्या आंसर है? 3. S2 को क्या बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म. तो एक टर्म फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 5 है, फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म 5, 3 प्लस 5 8, यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना आ रहा है? 8. इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म. फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म 7. इन लोगों को प्लस करेंगे. फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म 7. 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15. समझ रहे? फिर सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ टर्म, सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ टर्म. तो फर्स्ट फोर्थ टर्म कौन है? 3, 5, 7, 9. इन लोग सबको प्लस करेंगे, है ना. 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 20 4, ना पक्का 24. चलो सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म, फाइव टर्म. पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 9, पांचवा है 11. 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 24, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 11 35. लेकिन अगर उन लोग पूछते हैं इधर से कोई भी आखिरी टर्म बताओ, जैसे आखिरी टर्म को क्या बोलेंगे? सम ऑफ, अगर आखिरी टर्म टी एन है ना, तो उसका सम फाइंड करने बोलेंगे इधर किधर, तो एस एन इज इक्वल टू फाइंड करने बोलेंगे. तो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव दिए. अगर मेरे को इनमें से बीच में से, जैसे फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 7 है, फोर्थ टर्म 9 है, फिफ्थ टर्म 11 है, सिक्स टर्म 7 टर्म, लेकिन अगर मेरे को अचानक में बोल देंगे 35 फाइंड टर्म करो, सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म, तो तुम बता सकते क्या? इतना इतना सब ऐड कर सकते क्या? इतना ऐड करने में आप लोगों को कितनी दिक्कत हो जाती है. तो ऐसे में फाइंड करने का रहेगा, तो एसएन का सम ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला है एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना. सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला क्या है? एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ये फॉर्मूला लर्न करने का. अब मैं देख चेक करूंगा क्या ये जो मैं, अरे हाँ एक मैडम, हाँ अगर मेरे को फाइंड करने बोलेगे सम ऑफ फर्स्ट, हाँ
SN का फॉर्मूला ये SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1D, मेरे को चेक करने का है कि ये फॉर्मूला वर्क करता है या नहीं करता है। तो चलो मैं सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म, देखेंगे इसका आंसर 15 है ना। चलो देखेंगे 15 आता क्या है, S 3 है ना, S N की जगह पे 3 भरा, N की जगह पे क्या भरा 3, तो जहां जहां N है वहां वहां क्या आएगा 3, 3 अपॉन 2 ब्रैकेट 2, A की वैल्यू तुम्हारे को मालूम है, फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं ना, और A कितना है 3, ये फर्स्ट टर्म यानी T1 भी 3 और A भी 3, A को 3, A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, 3 प्लस N, N तो मालूम पड़ गया ना, एस एन यानी एस 3, तो N की जगह पे 3, N की जगह पे 3, 3 माइनस 1 और D, D कितना है, D, D है पता है नहीं तो D बता सकते, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 कितना है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 है ना, D कितना है 2, तो D की जगह पे कितना आएगा 2, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इज इक्वल टू समझ ना 3 अपॉन 2, 3 टू जा 6 प्लस 3 माइनस 1 2 ब्रैकेट 2 और ये ब्रैकेट 3 अपॉन 2 6 बोर्डमास बोलता पहले ब्रैकेट करो 2 जा 4 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 10 6 प्लस 4 10 2 1 जा 2 5 जा S3 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 3 5 जा 15 S3 कितना है 15 और S3 मेरा कितना है उसी तरीके से तुम S35 भी ये फॉर्मूले में भर के कर सकते, समझ आए ना किस तरीके से मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन टू SN फॉर्मूला। और भी देखो देखो ये जो SN फॉर्मूला है ना, SN फॉर्मूला क्या बोला मैंने, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1D करेक्ट, इससे एक और एक फॉर्मूला डिराइव होता है S सम ऑफ फर्स्ट N टर्म, इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट N सम ऑफ फर्स्ट N टर्म इज इक्वल टू N अपॉन 2 ब्रैकेट 2A का मतलब क्या A प्लस A, क्योंकि A प्लस A 2A होता है प्लस N माइनस 1D करेक्ट, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 A को क्या बोलते हैं T1, A को T1 भी बोलते हैं ना T1 प्लस ये प्लस का प्लस A प्लस N माइनस 1D किसका फॉर्मूला है, A प्लस N माइनस 1D किसका फॉर्मूला है TN, किसका फॉर्मूला है TN, तो समझ रहे इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव होता है ओके। तो SN का फॉर्मूला एक ये है और एक ये है, यही फॉर्मूले से ये डिराइव कर, समझ आ गया ना।